पुअर चीफ मिनिस्टर के कारण ब्यूरोक्रेसी ने के हावी होने से लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षण हुआ है और जन सरोकारों की, जनप्रतिनिधियों की, जनता की आवाज़ को जो महत्व मिलना चाहिए डेमोक्रेसी में वो नहीं मिल पाया। इस विधानसभा चुनाव में हम जाएंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बड़ी बहुमत के साथ राजस्थान में 2023 में सरकार बनाएगी। राजनीति जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। आप राजनीति से हट कैसे कर सकते हैं? आप गैर राजनीतिक हो सकते हैं, लेकिन आप अराजनीतिक कैसे हो सकते हैं? जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करने वाली चीज से जुड़े बिना हम समाज और देश के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। TIN नेटवर्क के कॉफी विद मेंटर्स में आज फिर हम आपके साथ हैं। आज हमारे साथ हैं बीकानेर की जानी मानी हस्ती डॉक्टर सुरेंद्र सिंह शेखावत। बीए एलएलबी करने के बाद हाल ही में जैन विश्व भारती लाडनू से PhD की उपाधि लेने वाले डॉक्टर शेखावत बीकानेर के लिए एक जाना पहचाना नाम है। समाज सेवा और राजनीतिक क्षेत्र में अपनी खासी पहचान रखते हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सर भाजपा की आइडियोलॉजी से जुड़े हैं और हम इनको कहीं ना कहीं भावी विधायक के रूप में देखते हैं। तो आज डॉक्टर शेखावत के साथ हम अपने कुछ सवालों के जवाब देंगे। नमस्कार। मुझे लगता है कि जिस फील्ड में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, लोगों का परसेप्शन उसके विपरीत बन गया है। आमतौर पे लोग ये मानते हैं कि जो आदमी किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं है उसे राजनीति में जाना चाहिए। हाँ, ये एक तरह का सोच हो गई है। जबकि मुझे, मेरा ये मानना है कि खासतौर से जो सेक्टर है, पॉलिटिकल सेक्टर है या एग्रीकल्चर है, इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता है, जो बात को समझते हों, मुद्दों पर समझ रखते हों। और मैं जब भी यूथ के बीच में जाता हूँ तो मैं ये बात ज़रूर करता हूँ कि देश और दुनिया में जितनी घटनाएं हो रही हैं उन सब घटनाओं के बारे में हमारी एक राय होनी चाहिए। और ख़ास तौर से जो पॉलिटिकल वर्कर है, पॉलिटिकल लीडर है, उसकी तो निश्चित रूप से राय होनी चाहिए। तो ये जब आपकी राय किस तरह से बनेगी, मैं मानता हूँ कि दो तरीके होते हैं लोगों के ज्ञान के भंडार के। एक तो आप ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, दुनिया देखेंगे, और इन सबसे बढ़ के किताबें हैं जो आपको, आपके सामने ज्ञान का भंडार खोलती है, समंदर की तरह होती हैं। तो जो जिन लोगों से मैंने राजनीति सीखी, जिन को मैं अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूँ, उन सब लोगों से भी मैंने ये जाना कि जब तक हम विषयों को समझेंगे नहीं, दुनिया को समझेंगे नहीं, मसलों को समझेंगे नहीं, तब तक जिस तरह की राजनीति, विचार आधारित राजनीति जिसकी प्रेरणा मुझे मिली है, वो हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि पढ़ना लिखना राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। पढ़े लिखे लोगों को इस फील्ड में आना भी आना चाहिए। आज युवा को जरूरत है कि वो राजनीति की तरफ आए। सर, इसी संदर्भ में मैं कहना चाह रही थी कि आप इससे पूर्व शायद शिक्षा काल के दौरान भी डूंगर महाविद्यालय में छात्र नेता के रूप में सक्रिय रहे हैं। जी, तो अभी आपने जैसे अपनी बात कही, पर सर महाविद्यालयों में जिस प्रकार छात्र नेता उभर रहे हैं या छात्र और राजनीति, कई बार हम ये भी सुनते हैं कि छात्र और राजनीति बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, उन्हें अलग अलग ही रहना चाहिए। जी, आपका इस बारे में क्या कहना है कि छात्र जीवन में राजनीति सही है? देखिए, जिस तरह का डेमोक्रेटिक सेटअप हिंदुस्तान में है या नई दुनिया में जिस तरह का डेमोक्रेटिक सेटअप है, तो आपको डेमोक्रेसी सीखने के लिए मुझे लगता है कि छात्र राजनीति सबसे बड़ी पाठशाला है। और आप देखिए कि इस दौर के बहुत सारे राजनेता हैं जो कैंपस में पॉलिटिक्स करते हुए आए हैं, देश में भी आए हैं, DU से निकले हैं, JNU ने खूब सारे लीडर दिए हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी में खूब सारे लीडर दिए हैं, अशोक गहलोत जी अभी मुख्यमंत्री हैं, वो खुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हैं, अरुण जेटली जी भी थे राजस्थान में, बहुत सारे नेता। तो मेरा ये मानना है कि वो पॉलिटिक्स की पाठशाला है, डेमोक्रेसी सीखने की पाठशाला है, और निश्चित रूप से छात्रों का एक लोकतांत्रिक शिक्षण होना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे देश में सबसे बड़ी जो कमी रही है पिछले 60-70 साल में, वो डेमोक्रेसी शिक्षण की रही है। हमें वोट क्यों देना है, अधिकतर मतदाताओं इस बात की जानकारी नहीं है। वो वोट जाति के आधार पर देता है, धर्म के आधार पर देता है, क्षेत्र के आधार पर देता है, आइडियोलॉजी के आधार पर देता है। उसे वोट क्यों देना है, किसको देना है, इसके बारे में उसकी समझ का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ है। तो इसलिए लोकतांत्रिक शिक्षण सबसे ज़रूरी चीज़ है, और छात्र राजनीति मुझे लगता है कि राजनीति की पाठशाला है, निश्चित रूप से होना चाहिए। थोड़ा सा बच्चा, मैं जानना चाह रही थी, अगर हम राजस्थान की कांग्रेस सरकार की बात करें, हम सीधे राज्य स्तर की राजनीति की बात कर रहे हैं, कि अगर हम राजस्थान की कांग्रेस सरकार की बात करेंगे, तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार कई बार कहती है, कभी हाल ही में हमने
बहुत सारी घोषणाएं हुई है, 100 यूनिट बिजली जो है घरों में फ्री दे दी गई है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना उसकी लिमिट बढ़ा के 25 लाख कर दी गई है, पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है, तो ऐसी बहुत सारी दुहाइयाँ जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट दे रही है। आप राजस्थान गवर्नमेंट की बात देखिए, राजस्थान गवर्नमेंट अशोक गहलोत जी जिन दो बड़े वादों के आधार पर सरकार में आए, पहला वादा था किसानों की कर्ज माफी का और दूसरा था बेरोजगारी भत्ते का, सभी बेरोजगारों के भत्ते का। 4 साल निकल गए, राजस्थान का आम मतदाता अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। इनके वादे पे, इनकी बातों पे, इनके नेशनल लीडर की बात पे भरोसा करके लोगों ने इनको वोट दिया। न तो किसानों को कर्ज माफी हो पाई और न बेरोजगारों को भत्ता मिल पाया। दूसरी सबसे बड़ी बात, पिछले 4 सालों में राजस्थान बेरोजगारी में भारत में एक नंबर की स्थिति पे बना हुआ है। पिछले फरवरी का जो आंकड़ा था, इंडियन इकोनॉमी काउंसिल ने जो एक आंकड़ा जारी किया, उसके हिसाब से राजस्थान बेरोजगारी में एक नंबर पे था। आपने देखा पिछले 4 साल में ऐसी कोई सरकारी भर्ती नहीं हुई जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ, और पेपर लीक जैसे प्रकरण में और फिर जैसे आरएस 2018 की वैकेंसी हुई है, भर्तियां हुई हैं, उस सारा जो स्कैम है उसको आप समझेंगे तो सत्ताधारी दल के नेताओं की मिलीभगत से एसडीएम आरपीएस जैसे महत्वपूर्ण पदों को भी जिस तरह से फर्जीवाड़ा करके इन्होंने अपने चहेते लोगों को लगाया है, मंदर बांट की है, पैसे लिए हैं, उससे राजस्थान का जो उन पदों के लिए की अर्हताएँ पूरी करने वाला योग्य नौजवान था उस पर सबसे बड़ा कुठाराघात इन लोगों ने किया है। तो जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह की अराजकता, जिस तरह का पेपर लीक माफिया स्टेट में, और उसमें भी कांग्रेस की टॉप लीडरशिप की इन्वॉल्व जो हुए हैं, उससे ये सिद्ध होता है कि सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। अशोक गहलोत साहब कितनी जन कल्याणकारी योजनाओं की बातें करें, लेकिन जब तक स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, जब तक जो नौजवान हैं उनके सपने तोड़ते रहेंगे, तब तक इनकी सारी उपलब्धियों पे गिनाने के लायक इनके पास कोई उपलब्धियां नहीं बचनी हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि अशोक गहलोत सरकार पूरी तरह से फेल हुई है और राजस्थान की जनता ने तय कर लिया इनको उखाड़ फेंकना है। जब 2023 में चुनाव होंगे तब एक चीप में भर के लाने लायक जितने विधायक भी इनके नहीं आएंगे। पेपर लीक प्रकरण की बात करने लगे हम, तो पेपर लीक प्रकरण पे अभी हाल ही में जो पेपर हुआ, तभी चाहे लीक हुआ या नहीं हुआ, जिस तरह की अफवाहें रही, बच्चों में एक भय का माहौल रहा। पिछली बार जब पेपर होने लगा तब बच्चे पेपर वाली जगह पर जाकर बैठे हैं स्कूलों में, और वहां पर जाकर उन्हें खबर मिल रही है कि पेपर लीक हो गया है। सोशल मीडिया पर आपने भी इस पर एक लाइव चलाया था, मैंने फेसबुक पर देखा था। तो सर, इसको लेकर के आपको लगता है कि अब बीजेपी सरकार आती है इसको रोकती है, या ये केवल सरकार के ही हाथ में है इसको? देखिए, मुझे लगता है निश्चित रूप से अगर लीडरशिप आपकी स्ट्रॉन्ग है और नेतृत्व ये लोगों को भरोसा दिला पाता है कि हम ठीक काम करेंगे। आप देखिए, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य है जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई थी, जहाँ नकल चरम पे होती थी, जहाँ सरकारी भर्तियाँ जाति और धर्म देख के भर्ती की जाती थी, वहाँ जैसे ही योगी आदित्यनाथ जैसा योग्य मुख्यमंत्री मिला, पिछले 5-6 साल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वहाँ बिल्कुल ठीक हो गई। और जिस तरह के पेपर माफिया और इस तरह के लोगों के खिलाफ जो उन्होंने सख्त कदम उठाए हैं, वहाँ मोटा मोटी आमजन में पुलिस पे भरोसा बढ़ाया, सरकार के भरोसा बढ़ाया। पेपर इससे पहले भी होते रहे, राजस्थान की आरपीएससी की प्रतिष्ठा पूरे देश में थी, लेकिन जब से कांग्रेस सरकार आई है तब से उन पूरी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई है। मैं खुद आरपीएससी के चेयरमैन से मिल के आया और मैंने उनको कहा कि आपकी इमेज एक ईमानदार नेता की रही है, ईमानदार अधिकारी की रही है, भूपेंद्र यादव जी से मिल के आया, लेकिन जिस तरह से उनके नेतृत्व में राजस्थान में भर्तियाँ हुई, उससे तो ये सिद्ध हो गया कि पूरे 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 सिस्टम में ही भांग पड़ी है। तो मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, राज्य को योग्य मुख्यमंत्री मिलेगा, तो निश्चित रूप से नौजवानों के साथ न्याय हो पाएगा, भर्तियाँ सही हो पाएंगी और योग्य उम्मीदवारों का चयन हो पाएगा। देखिए, सक्षम नेतृत्व आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से बदलाव होगा और राज्य के नौजवानों के सपने साकार हो पाएंगे। लेकिन सर, अगर हम बात करें कि केंद्र में तो भाजपा मजबूत स्थिति में है, मोदी जी अपने आप में एक पूरा चेहरा है बीजेपी का जी, लेकिन राजस्थान में आपको लगता है कि बीजेपी की जो स्थिति चल रही है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक चेहरे की कमी? अगर किसी पार्टी में 5 या 7 चीफ मिनिस्टर के फेस होते हैं तो इसका मैं नकारात्मक
नहीं मानता, मैं इसको सकारात्मक मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास खूब सारे नेता हैं जिनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। आप इसको इस वे में देखिए कि भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के चिन्ह पे और नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेगी, तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता ने तय कर लिया है कि कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है। मुख्यमंत्री चाहे जो भी बने, भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो निश्चित रूप से अच्छे व्यक्ति को चुनेगा और राजस्थान को मजबूत और प्रभावी नेतृत्व मिल पाएगा। मुझे लगता नहीं राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में किसी तरह की गुटबाजी है। इंटरनल डेमोक्रेसी जिस पार्टी में होगी निश्चित रूप से वहाँ अलग अलग लोगों के चार अलग अलग विचार होते ही हैं, और राजनीति कोई साधुता का धर्म तो है नहीं, सब लोगों की निजी महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं निश्चित रूप से, इस बात को मैं डिनाई नहीं करता। और हर जो राजनीतिक कार्यकर्ता राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएँ हैं। पर हमारे यहाँ ऐसा होता है कि संगठन का निर्णय अंतिम निर्णय होता है, और जब लीडर ने चयन जो बात तय कर दी, तय करने के बाद में हमारे यहाँ विवाद की स्थितियाँ नहीं होती हैं। सर एक बात और पूछना चाहूँगी कि राजस्थान में इन दिनों ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा हावी हो गई है, राजनेताओं पर भी ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई है, राजनेता कई तरह के निर्णय लेते हैं लेकिन उसके बाद उनका क्रियान्वयन जो है वो ब्यूरोक्रेसी के दबाव के चलते सही तरीके से नहीं हो पाता, तो आपको लगता है क्योंकि अभी बीच में जब भी ऐसा कुछ हुआ बहुत सारे कांड जब राजस्थान में हुए तो उन्होंने फटाफट से ट्रांसफर कर दिए, ट्रांसफर करते ही सारा कुछ संभालना संभव नहीं होता, तो क्या आपको लगता है कि केवल स्थानांतरण एक उपाय है जिससे ब्यूरोक्रेसी के ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है? योग्य और मजबूत नेतृत्व नहीं होगा तब तक इसी तरह की घटनाएं होती रहेंगी। राजस्थान में जब जब कांग्रेस की सरकार आई है तब तब ब्यूरोक्रेट्स हावी होते रहे। ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब तक जनता की आवाज़, जनता के प्रतिनिधियों की आवाज़ का महत्व नहीं होगा तब तक जन कल्याणकारी निर्णय नहीं हो पाएंगे। हमारे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी लाल फीताशाही में तब्दील हो चुकी है, और जिस तरह का भ्रष्टाचार का बोलबाला नौकरशाही के नेतृत्व में, नौकरशाही के बोलबाले के कारण होता है, उसके कारण जनता की सुनवाई की गुंजाइश नहीं बचती है। अशोक गहलोत जी एक पुअर चीफ मिनिस्टर साबित हुए हैं, जिस तरह के निर्णय उनके अधिकारी कलेक्टर कमिश्नर जिस तरह से निर्णय करते हैं और उसमें जनप्रतिनिधियों की आवाज़ को दबाया जाता है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। और मेरा ये मानना है कि मजबूत और प्रभावी नेतृत्व के जब तक नहीं होगा तब तक ब्यूरोक्रेसी पे लगाम नहीं लगाई जा सकती। जी जब चुनाव आते हैं उस समय इतने बड़े बड़े श्वेत पत्र जारी किए जाते हैं, चाहे उससे युवा जो है उसके उसमें आ जाते हैं, महिलाओं के लिए अलग, युवाओं के लिए अलग, पीछे जो बैठा हुआ वर्ग है उसके लिए अलग, पर जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो सत्ता में आने के बाद वो जो श्वेत पत्र है वो उस प्रकार से लागू नहीं हो पाते, इसके पीछे क्या कारण है? मैंने जब ये अपने इंटरव्यू शुरू होते ही ये बात कही, और मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि आपका जो जन घोषणा पत्र या चुनाव घोषणा पत्र है उसकी वैधानिक मान्यता होनी चाहिए और उसके लिए आपकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। जो भी राजनीतिक दल घोषणा पत्र जारी करेगा और जब वो सत्ता में आ जाता है तो उसकी पालना की विधायी बाध्यता होनी ही चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए। मैंने आपको एक वादा किया, वादा करके आपका वोट ले लिया और फिर मैं वादे से मुकर जाता हूँ, इसका मतलब मैं आपके साथ पूरी तरह से ठगी कर रहा हूँ, तो ये राजनीतिक ठगी है। जिस तरह का आपने घोषणा पत्र का क्रियान्वयन नहीं करते हैं, अभी अशोक गहलोत जी कह रहे हैं हमने 90% घोषणाएं पूरी कर दी, मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि घोषणाएं की बात तो दूर, बजट घोषणाएं जो हुई है उसमें भी 30% की घोषणाएं लागू नहीं करी। तो बजट जैसी महत्वपूर्ण चीज़ की घोषणाएं अगर आप पूरी नहीं करते हो इसका मतलब आप सदन की जो पवित्रता है उसको भंग कर रहे हो, लोगों के साथ सीधा साधी आप धोखाधड़ी कर रहे हो, ठगी कर रहे हो। आप जो वादा करके चुनाव में गए थे और जिसके आधार पर आपको लोगों ने वोट दे दिया उससे आप मुकर गए, तो इसका मतलब आपने एक फोर्जरी करी है लोगों के साथ। मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि हर चुनावी घोषणा पत्र को लागू करने की बाध्यता वैधानिक बाध्यता होनी चाहिए और उस पर जवाबदेही तय होनी चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उनको सोचना चाहिए। मैंने अपनी व्यक्तिगत ये राय व्यक्त की, व्यक्तिगत राय है कि इस प्रकार से विधायी शक्ति उसके पीछे लगनी चाहिए ताकि वो जो घोषणा पत्र, जो श्वेत पत्र जारी हो रहा है उसका सही तरीके से क्रियान्वयन हो सके। राहुल जी ने चुनाव से पहले कांग्रेस की मीटिंग में, पब्लिक मीटिंग में 1-2-3 होकर के 10 तक गिनती गिनी और कि 10 दिन में हम लोग किसानों का सारा कर्जा माफ़ कर देंगे, कितना बड़ा वादा किया। और राजस्थान का जो 65% आबादी है, किसान आबादी है, उनको बहुत भरोसा था कि किसी पार्टी का इतना बड़ा लीडर इस बात को कह रहा है। लोगों ने वोट डाल दिया कांग्रेस को। आज तक 4 साल तक बाद भी आज कोई घोषणा पत्र का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। जब भी उनसे बात करते हैं तो उसको सेंटर के माथे पे डालते हैं। अभी तक हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा जी, भारत जोड़ो यात्रा से क्या परिवर्तन आएंगे आपको लग रहा है, इससे कुछ परिवर्तन दिखाई? देखिए, मुझे मेरा ये मानना है कि कोई भी राजनेता जनता के बीच में जाता है तो उसके सकारात्मक परिणाम आते हैं। जो भी आदमी जाएगा निश्चित रूप से उसका भी विकास होगा, समझ होगी, देश को समझने की उसकी क्षमताओं में वृद्धि होगी निश्चित रूप से। राहुल गांधी जी गए हैं जनता के बीच में भारत जोड़ने की बात को कह के, तो निश्चित रूप से उनकी समझ और विकास बड़ा होगा। वो तो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए, उन्होंने देश को देखा नहीं, देश के आम आदमी की, गरीब की तकलीफ को देखा नहीं। अगर वो वास्तव में बिना ताम झाम के लोगों के बीच जाते तो मुझे लगता है कि ज़्यादा इस देश को समझ पाते। अब उनका बौद्धिक स्तर समझ क्या है, मैं तो कभी मिला नहीं, लेकिन अगर इतना देश घूमने के बाद में निश्चित रूप से परिवर्तन उनमें भी आना चाहिए, उनके दिल को भी फायदा होना चाहिए। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, जिस तरह के बयान उनकी यात्रा के बाद में भी आए हैं उसे लग नहीं रहा कि कुछ फ़ायदा हुआ होगा। बहुत सारे क्षेत्रों में, चाहे वो सैन्य क्षेत्र हो, चाहे बाकी अन्य शिक्षा का क्षेत्र हो, नई शिक्षा नीति को वो लेकर के आए हैं, लेकिन इन सबके बावजूद देखिए जो आम व्यक्ति है, आम व्यक्ति की सबसे बड़ी जरूरत होती है रोटी हो, नौकरी हो, ये उसकी सबसे बड़ी जरूरत है, बाकी सारी चीज़ें उसके लिए सेकेंडरी हो जाती है। तो सर, आपको नहीं लगता कि महंगाई में जिस तरीके से बेतहाशा वृद्धि हो रही है, केंद्र सरकार को उस पर कुछ लगाम लगाने की आवश्यकता है? तो मैं ये मानता हूँ कि पिछले 10 साल में मोदी जी का जो कार्यकाल हुआ है, मोदी 2 और मोदी फेस्ट के बाद में, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप देखिए, जब 2013 में हमारा देश जो दुनिया की 9वीं अर्थव्यवस्था था और 8 सालों के जो कामकाज के बाद में अब दुनिया की हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं, और 25 साल बाद में हमने टारगेट लिया है कि दुनिया की हम दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। आप देखिए, जैसे जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था की विशालता बढ़ रही है, उसी अनुपात में लोगों का जीवन स्तर भी बढ़ रहा है, लोगों को रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही हैं। अभी जो बजट आया है, इस बजट की आपने खास बात देखी होगी कि चुनाव से जस्ट पहले का जो पूर्ण पहल बजट होता है, अभी जो चुनाव में आएंगे उससे पहले का ये पहला पूर्ण बजट है। अगला बजट जो आएगा वो तो इलेक्शन उसके बाद में जस्ट इलेक्शन में जाना है, तो ये पूर्ण बजट है। सामान्य तौर पे राजनीतिक दल इस बजट को पूरी तरह से लोक लुभावन बनाते हैं और इस तरह की वादे किए जाते हैं कि हम, जिससे लोगों को लुभाया जा सके। लेकिन आप देखिए, इसके विपरीत इस बजट को पूरी तरह से आर्थिक अनुशासन वाला बजट कहा जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसमें कोई भी ऐसा वादा नहीं है जो लोक लुभावन उसको कहा जा सके। सब्सिडीज पे कटौती की गई है और जिस तरह से ये जो पूंजीगत निवेश को बढ़ाया है, आप देखिए पिछले 3 साल में 33% पूंजीगत निवेश को बढ़ाया है, और पूंजीगत निवेश बढ़ाने का सीधा सीधा मतलब होता है कि उससे रोजगार सृजन बढ़ सके। आप इस बात को तो मानेंगे कि सरकारी नौकरियां रोजगार को में देने में 2-3% भूमिका निभाती हैं। जब तक MSME सेक्टर खड़ा नहीं होगा, जब तक सर्विस सेक्टर खड़ा नहीं होगा, जब तक दूसरे सेक्टर्स खड़े नहीं होंगे, तब तक रोजगार की संभावनाएं नहीं बढ़ सकती। हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा है और निश्चित रूप से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन कर रहा है। इसी तरह अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी अगर हमारा बढ़ेगा तो बड़ा रोजगार सृजन का काम हो सकेगा। इसके साथ ही जो फार्मर बिल लेके आई थी भारतीय जनता पार्टी, उसका उद्देश्य भी ये था कि जो सबसे बड़ा सेक्टर है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, उससे उसमें उसका योगदान GDP में बहुत थोड़ा है, तो जब तक उस सेक्टर में ज़्यादा रोजगार वृद्धि नहीं हो पाएगी, तो ये जो सारे कामकाज
मोदी सरकार के माध्यम से किए जा रहे हैं वो निश्चित रूप से, इतनी आबादी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा देश है, और अब तो हम चीन को भी इस मामले में पीछे छोड़ने जा रहे हैं, तो जब तक उनके मुकाबले हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं बढ़ेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर पर काम नहीं होगा, तब तक रोजगार की के संकट से हम नहीं। अच्छा, ये पूरी दुनिया में संकट है, आपने देखा पिछले दिनों, पिछले महीने ब्रिटेन में 500,000 लोग सड़कों पर उतर आए प्रधानमंत्री के खिलाफ रोजगार के मसले। तो रोजगार का मसला पूरी दुनिया का वैश्विक मसला है, इन सब के बावजूद भारत इस दिशा में अच्छा काम कर रहा है, और जिस तरह से अर्थव्यवस्था की गति तेज़ी से बढ़ी है, जिस तरह की संकल्प मोदी जी ने लिए हैं और वो सिद्ध होते जा रहे हैं, निश्चित रूप से रोजगार का संकट भी मुझे लगता है इसी माध्यमों से दूर हो पाए, दूर हो पाएगी। जी निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि हमारी पार्टी के नेता, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी की लीडरशिप लोगों तक किसान बिल के फायदे नहीं पहुंचा पाए, और जिस तरह का एक प्रोपोगंडा वामपंथी लोगों के नेतृत्व में पूरे देश में लोगों को गलत ढंग से समझाया गया वो एक बड़ा कारण रहा। और मुझे लगता है कि भविष्य में जो कृषि सुधार हैं देश के, आप इस बात को मानिए कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कृषि सुधारों की बात है, जिस तरह की बात हम लेके आए, अरे जो पूरी दुनिया की जरूरत है वो उस पर आपको आना ही पड़ेगा। जो आपका इतना बड़ा सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो बिल्कुल डंप पड़ा है, जब तक आप उसमें सुधार नहीं करेंगे, जब तक उसको बाजार खोलेंगे नहीं, तब तक उस तरह का, जिस तरह के रोजगार सृजन और जिस तरह की फैसिलिटीज़ और जिस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए उस सेक्टर में नहीं हो पाएगा। तो एक मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हम लोगों तक बात समझाने विफल रहे, लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है कि हम लोगों को बात समझा पाएंगे और ज़रूरी कृषि सुधार आने वाले सालों में हो पाएंगे। एक तरह महिलाओं को लेकर बात करें, महिलाओं की स्थिति राजस्थान में बहुत अच्छी नहीं रही है, बहुत सारे अत्याचार वगैरह इस तरह के रेप केसेस बढ़े हैं, और महिलाओं को जो मिलना चाहिए उतना फायदा नहीं मिला है, तो आपको लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद इस स्थिति में कुछ सुधार होगा? एज अ महिला मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ, क्योंकि महिलाओं को बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जगहों पर दिक्कतें हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो सारी परेशानियाँ जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद? निश्चित रूप से कोई भी संवेदनशील सरकार रहेगी तो हर तबके के मसले हल हो पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने देश की को एक महिला राष्ट्रपति दी हैं, उससे पहले भी हमारे यहाँ दो टर्म महिला चीफ मिनिस्टर रही, विधानसभा अध्यक्ष भी महिला रही, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कोई संवेदनशील मुख्यमंत्री आएगा तो सब तबके की समस्याएँ, चाहे महिलाओं की हो, छात्रों की हो, किसानों की हो, मजदूरों की हो, हर वो वीकर सेक्शन की समस्याओं का समाधान हो पाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि संवेदनशील और मजबूत नेतृत्व हो। देखिए, इसमें दो तरह की बात हैं। एक बात तो ये है कि बीकानेर पिछले 70-75 सालों में दूसरे शहरों के मुकाबले हमारे यहाँ उस तरह का विकास नहीं हो पाया जिस तरह का विकास दूसरे डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे हुआ है। कोटा में पिछले 4 साल में 5500 करोड़ रुपए के काम हुए हैं, और बीकानेर की अगर काउंटिंग की जाए तो 100-200 करोड़ रुपए के काम भी हुए नहीं होंगे। और ख़ास तौर से जो हमारी ईस्ट कॉन्स्टिट्यूसी है, अभी 4-5 दिन पहले आपने अखबार में पढ़ा होगा कि पश्चिम की सारी सड़कें बना दी गई हैं, ईस्ट पे जो पैसा मिला राज्य से उसकी सड़कें नहीं बनी। तो जिस तरह का ये हालात इस शहर की हुई है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि पिछले 70-75 साल में जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप मिली वो पूर पॉलिटिकल लीडरशिप मिली, उनका विजन नहीं था, इस कारण बीकानेर दूसरे शहरों के मुकाबले पिछड़ गया। एक तो मेरा मानना है कि जो नए लोग हैं, नई समझ के लोग हैं, नए विजन के लोग हैं, उन्हें इस शहर के बारे में सोचना चाहिए, पॉलिटिकल लीडरशिप को भी शहर के बारे में सोचना चाहिए, और पार्टी पॉलिटिक्स के इतर अपने शहर के मसले पे एकजुट होना चाहिए। स्थानीय मुद्दों के लिए तो हमें पार्टी पॉलिटिक्स के दायरे को छोड़कर भी एक मंच पर आना चाहिए। तो एक चीज़ तो ये है कि इस जो नुकसान शहर को हुआ है उसकी भरपाई हो और इस शहर का डेवलपमेंट हो। दूसरा, इस शहर के जो लोग हैं, जैसे मैं मिलता रहता हूँ, खूब सारे नए लोग हैं, वो एंटरप्रेन्योर हुए हैं, कुछ नए सेक्टर में खूब सारा काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ के उद्योगपति दुनिया में नाम कर रहे हैं, जैसे
आर के दम्बाणी हैं, वो बड़ा नाम है। तो सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो बीकानेर से निकल के गए हैं देश दुनिया में, जिन्होंने नाम कमाया है, समृद्धि कमाई है। तो मेरा ये मानना है कि उन लोगों को इस शहर के बारे में भी सोचना चाहिए। इस शहर ने उनको बहुत कुछ दिया है, तो निश्चित रूप से वापस शहर और समाज को कुछ देने की भाव उनमें होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि जब तक बीकानेर से जुड़े बड़े लोग, उद्योगपति, अलग अलग जगत में जिन लोगों ने काम किया है, उन लोगों को वापस एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, जिस प्लेटफॉर्म पर वो सब आएँ और इस शहर की चिंता करें। इस शहर को रोज़गार की बड़ी आवश्यकता है, इस शहर को इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी आवश्यकता है, इस शहर को एक विजनरी लीडरशिप की आवश्यकता है, तब ये शहर दूसरे शहरों के साथ कदम ताल कर पाएगा। मैंने आपको पहले भी निवेदन किया कि विकास के जिस रास्ते में हम लोग पिछड़ गए हैं दूसरे शहरों के मुकाबले, मेरी निश्चित रूप से पहली प्राथमिकता, चाहे मैं राजनीति में कोई मुकाम हासिल हो और चाहे नहीं हो, एक पॉलिटिकल वर्कर के रूप में मेरा विज़न है कि बीकानेर 21वीं सदी में भारत के ही नहीं, दुनिया के जो विकसित शहर हैं उनके साथ कदम ताल कर पाए। आप देखिए, सिंगापुर सिंगापुर क्यों बना? किसी ने सिंगापुर के बारे में सपना देखा तभी तो सिंगापुर बना। आज 50 साल पहले सिंगापुर क्या था? मैं पिछले दिनों दोहा गया कतर में, तो दोहा बन गया, मतलब वहाँ कोई विजनरी लीडरशिप थी, तो उन्होंने सोचा कि तो हमारे यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज खूब हैं। आप देखिए, पूरे वेस्टर्न राजस्थान में सबसे मजबूत नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे यहाँ संसाधन हैं, हमारे यहाँ IGNP नहर का पानी है, हमारे लोग बहुत मेहनती हैं, हमारे यहाँ हर तरह की खेती होती है, हमारे यहाँ हर तरह की उपज होती है। मतलब इतना सब चीज़ें होने के बाद भी हम उन विकसित शहरों के मुकाबले हमारे यहाँ का विकास क्यों नहीं हो पाया? उसके पीछे सीधे सीधे दो ही कारण है कि हमें विजनरी लीडरशिप नहीं मिली और उस तरह काम करने वाले सरकारी नीतियाँ उस तरह की नहीं बनी। क्या इस पूरे पश्चिमी राजस्थान के लिए कोई स्पेशल कोटे की हम डिमांड नहीं कर सकते? बिहार के मुख्यमंत्री बार बार बिहार के लिए स्पेशल कोटे की मांग करते हैं, तो क्या हम वेस्टर्न राजस्थान के लोग नहीं कर सकते? कितनी विपरीत परिस्थितियों में हमारे यहाँ के लोग उन जीवन यापन किया है। तो अभी प्रधानमंत्री जी ने UNO ने मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। आप देखिए, हमारे यहाँ की पूरी वेस्टर्न राजस्थान की जो बाजरी है वो मोटा अनाज की खेती होती है, तो उसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन क्यों नहीं हो सकता? जब सिक्किम में पैदा होने वाली हर फसल को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन हो सकता है, तो हमारे यहाँ की बाजरी क्यों नहीं हो सकता? हमारे यहाँ तो पूरी बाजरी है वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, उसमें किसी भी तरह का यूरिया पेस्टिसाइड यूज़ नहीं होता। अगर उसे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिल जाए तो जो बाजरी आज हमारी 2,200 रुपये क्विंटल बिक रही है वो 10,000 रुपये क्विंटल बिकेगी, हमारे यहाँ किसान का निश्चित रूप से विकास होगा। तो ये सारी चीज़ें सोचने वाले लोग, ये सारी एक विकसित बीकानेर का विज़न रखने वाले लोग, मेरा मानना है कि एक प्लेटफॉर्म पर आने चाहिए। और निश्चित रूप से राजनीतिक कार्यकर्ता की महत्वाकांक्षा होती है, मेरी भी महत्वाकांक्षा है, लेकिन महत्वाकांक्षा मेरी किसी पद पर जाने के बजाय इस बारे में ज़्यादा है कि हम इस शहर के लिए क्या कर पाएँ। तो निश्चित रूप से मुझे कहीं मौका मिले और चाहे नहीं मिले, लेकिन जो सपना मैंने इस शहर के विकास के लिए देखा है, उस दिशा में मेरे पास जो संसाधन हैं, जो क्षमताएं हैं, उनका अधिकतम उपयोग करते हुए उन सब लोगों को मैं एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करूंगा। और निश्चित रूप से मुझे भरोसा है कि हम सब लोगों की के सहयोग से इसमें कामयाब हो पाएंगे। देखिए, जहाँ तक प्रेरक व्यक्तित्व की बात है, मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ा, मैंने डॉक्टर लोहिया को पढ़ा, JP को पढ़ा,
और फिर जब कुछ समझ विकसित हुई तो हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी को, बैरन सिंह शेखावत जी जैसे लोगों को काम करते हुए देखा। हालांकि उन लोगों के साथ काम करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन उनकी कार्यशैली देखी, उनके बारे में किताबें पढ़ी, उनके बारे में लेख पढ़े, उनके बारे में घटनाएं सुनी, तो उससे एक सतत विकास हुआ। और मेरे राजनीतिक गुरु आदरणीय मानचंद जी सुराणा से, उनके साथ साथ रहने का खूब सारा अवसर मिला, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। एक राजनीतिक कार्यकर्ता को राजनीतिक कार्यकर्ता क्यों होना चाहिए, मैं अपने आसपास के लोगों को देखता हूँ तो कई बार ये हास्यास्पद स्थिति पैदा होती है कि वो राजनीति में क्यों हैं, उनको लेके उनका कोई विजन नहीं है। हमें उन्होंने खूब सिखाया और मुझे लगता है कि जो कुछ भी जितना भी विकास हो पाया उन सब लोगों के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से मिल पाया। आखिरकार राजनीति पब्लिक के लिए ही है। जब तक हमारे प्रो पीपल थॉट नहीं होगा, जब तक जन कल्याणकारी जन सरोकारों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता नहीं होगी, तब तक राजनीति का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, नौजवानों के लिए जो बात आपने कही, एक बात मैं इस बात को कई बार जिक्र भी करता हूँ कि बहुत सारे लोगों से जब उनका राजनीतिक व्यू पूछा जाता है तो वो कहते हैं आई हेट पॉलिटिक्स। आप पॉलिटिक्स से कैसे हेट कर सकते हैं? जीवन का जो भी क्षेत्र है वो कोई भी क्षेत्र राजनीति से इतर नहीं है, जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। जूते बनाने वाले से लेके खेती करने वाला और नौकरी करने वाला और चाहे ब्यूरोक्रेट्स, कोई भी आदमी राजनीति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। हमारे यहाँ के सारे फैसले, आप पेन खरीदने जाएंगी, आप नौकरी करने जाएंगी, आप व्यापार करने जाएंगी, हर फैसले को राजनीति प्रभावित करती है, तो आप उससे हेट कैसे कर सकते हैं? हाँ, ये हो सकता है कि आप गैर राजनीतिक हो सकते हैं लेकिन अराजनीतिक नहीं हो सकते। तो मेरा मानना है कि नौजवानों को, खासतौर से पढ़े लिखे नौजवानों को, खासतौर से समझ वाले नौजवानों को राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहिए। और जब तक हर क्षेत्र के लोग, वंचित, पिछड़े, किसान, मजदूर, इन तबकों के लोग जब तक राजनीति में नहीं आएंगे, देश की बड़ी पंचायतों में जाके, विधानसभाओं में जाके, लोकसभाओं में जाके अपने इलाके की, अपने वर्ग की बात को मजबूती से नहीं उठाएंगे, तब तक देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। तो मेरा मानना है नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए, विजन के साथ आना चाहिए, समझ के साथ आना चाहिए, और पढ़ने लिखने वाले लोगों को भी राजनीति में आना ही चाहिए। निश्चित रूप से आप जो बात कर रहे हैं वो वैसी स्थिति है। एक तो मेरा ये कहना है कि पूरे भारत पाक बॉर्डर पे आईबी की चौकी हुआ करती थी, स्टेट आईबी की। पिछले 15-20 साल में चौकियां हटा दी गई हैं और पूरे भारत पाक बॉर्डर पे पिछले 2-3 साल से जो तस्करी की घटनाएं बढ़ी हैं वो बहुत चिंताजनक हैं। एक बड़ा नेटवर्क मुझे लगता है कि पाकिस्तान से प्रभावित होकर हमारे यहाँ काम कर रहा है और बड़ी संख्या में नशे को, पहले तो उनका केंद्र पंजाब हुआ करता था और अब राजस्थान उनका केंद्र हो गया और बड़ी संख्या में तस्करी राजस्थान बॉर्डर पे हो रही है। एक बड़ा कारण तो ये है कि आईबी की चौकियाँ यहाँ से हटा दी गई। दूसरा मुझे लगता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के भी जो अधिकारी हैं उनकी रुचि अपना मूल काम करने में नहीं है, वो टूरिज्म के डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं और जवानों को कभी यहाँ कभी यहाँ दूसरे इवेंट्स में घुमाया जा रहा है। बीएसएफ भी अपना मूल काम जो उनको करना चाहिए उस काम के इतर टूरिज्म और दूसरे कामों पर ध्यान दे रही है। राजस्थान में पिछले 3-4 साल से जिस तरह की कट्टरपंथी घटनाएँ बढ़ी हैं, जिस तरह के बयानबाजी हो रही है और जिस तरह की आप बता रहे हैं घटनाएं हो रही हैं, स्लीपर सेल काम कर रही हैं, भारत पाक का जो सेंसिबल बॉर्डर है, संवेदनशील इलाका है, और जिस तरह से पूरी दुनिया की फोर्सेज, भारत के खिलाफ काम करने वाली फोर्सेज, टेररिज्म फोर्सेज काम कर रहे हैं, वो बड़ी खतरनाक स्थिति है। जिस गति से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, निश्चित रूप से जो हमारे विरोधी मुल्क हैं उनके लिए उनको ये बात किसी भी तरह से सहन नहीं हो रही है। तो इस तरह की घटनाएं पाकिस्तान से प्रायोजित हैं, चाइना से प्रायोजित हैं, दुनिया की दूसरी फोर्सेज हैं वो भी भारत में इस तरह का काम करना चाह रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि एनआईए की चौकी खुले, एनआईए का थाना खुले बॉर्डर पे, ख़ास तौर से इसकी स्ट्रेटजी प्लानिंग हो, और राजनीति तो होती रहेगी, ये कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं, ये देश की बात है, भारत की बात है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को केंद्र की जो गृह मंत्रालय के साथ संवाद स्थापित करके और इस दिशा में मजबूत काम करना चाहिए। बॉर्डर की सिक्योरिटी, स्थानीय नेशनल सिक्योरिटी, ये एक बड़ा इश्यू है जिस पे काम किया जाना चाहिए। हालांकि मैं इसका कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो समझ है उस समझ के हिसाब से मैंने अपनी बात रखी। आज डॉक्टर
आज की राजनीतिक स्थिति जो राजस्थान में चल रही है उसको लेकर अपना विजन दिया। अगर वो सरकार में आते हैं तो उस प्रकार से बीजेपी का क्या विजन रहेगा उसके बारे में बताया, और साथ ही साथ युवाओं को राजनीति को किस प्रकार से पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और राजनीति जो है वो एक स्वस्थ राजनीति की ओर परिलक्षित हो सके उस पर बात की।